हेलो फ्रेंड्स, चलिए झटपट हम बनाते हैं गुड़ की चिक्की। इसके लिए मैंने आधा किलो मूंगफली ली है। इसको हम मीडियम फ्लेम पर थोड़ा रोस्ट कर इसको हम धीमी आंच पर इसलिए रोस्ट करते हैं जिससे यह अच्छी तरह से अंदर तक भुन जाए। इसको बनाने के लिए हमने 1.5 किलो लगभग गुड़ लिया है और इसको हम मेल्ट होने के लिए कढ़ाई में डाल देंगे। इसको मीडियम फ्लेम पर ही हम मेल्ट करेंगे। तब तक हम किसी थाली के पीछे भाग पर उसको घी को लगा लेंगे अच्छी तरह से। गुड़ को हम लगातार चलाते रहेंगे जिससे वह नीचे लगने ना पाए। गुड़ को हम चेक कर लेंगे पानी में डाल करके। अगर ये घुल जाता है तो ये अभी जमने लायक नहीं हुआ है। अभी थोड़ी देर और गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब देखिए इसमें बुलबुले भी बनने लगे हैं और यह कढ़ाई छोड़ने लगा है। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच मीठा सोडा ऐड करूंगी। इसको ऐड करने से पट्टी स्टिकी नहीं बनती है और वो करारी बनती है। देखिए अच्छी तरह से सोडा की वजह से झाग आ गया है। हम इसको चलाते रहेंगे और पानी में डाल करके चेक करने की आवश्यकता है। देखिए मैंने पानी में चेक किया है, ये टूटने लगी है। थोड़ा और डाल करके, ज्यादा मात्रा में डाल करके चेक करेंगे कि यह टूट। हमारी गुड़ की पट्टी बनाने के लिए गुड़ एकदम तैयार है। अब हम इसमें छिलके उतारी हुई मूंगफली को डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको मिला करके चारों तरफ से इसको गुड़ में मिला देंगे और इसको जमाने वाले बर्तन पर बेलन पर भी मैंने पहले से ही घी लगा लिया है। अब हम इसको बेलन की सहायता से थाली पर अच्छी तरह से फैला देंगे और चाकू से इस पर कट का निशान लगा देंगे जिससे तोड़ने में आसानी हो। देखिए कितनी आसानी से टूट जा रही है। ये बहुत ही क्रंची बनी है। इसी विधि से आप भी बनाइएगा, बहुत ही अच्छी चिक्की तैयार होगी। यदि मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिएगा और नए हो तो सब्सक्राइब।